और कोरोना को लेकर हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उनके सबसे ज्यादा जोर उनका इस बात पर है कि अधिकारी फोन जरूर उठाएं। उत्तराखंड के अंदर पर्यटन विभाग ने गई सूचना दी है कि विदेशी जो फंसे हुए हैं वो 1330 हैं। इसमें काफी लोगों को लौटा दिया गया है, वो चले गए हैं, बाकी जो फंसे हुए हैं निश्चित रूप में उनको भी भेजने का प्रयास किया जाएगा। हमने ये कहा है कि जो आश्रम है, सार्वजनिक स्थल है और जो इसमें उनका सैनिटाइजेशन होना चाहिए ताकि बीमारी आगे ना फैले, और इसके लिए जो हमारे भिखारी हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी भोजन देने की व्यवस्था की गई है। विशेषकर सारे जो हेल्पलाइन के नंबर्स हैं, जो जो समस्या का समाधान करेंगे उनके नंबर पेपर में प्रकाशित हो जाएंगे। और कोरोना को लेकर हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उनके सबसे ज्यादा जोर उनका इस बात पर है कि अधिकारी फोन जरूर उठाएं। उत्तराखंड के अंदर पर्यटन विभाग ने गई सूचना दी है कि विदेशी जो फंसे हुए हैं वो 1330 हैं। इसमें काफी लोगों को लौटा दिया गया है, वो चले गए हैं, बाकी जो फंसे हुए हैं निश्चित रूप में उनको भी भेजने का प्रयास किया जाएगा। हमने ये कहा है कि जो आश्रम है, सार्वजनिक स्थल है और जो इसमें उनका सैनिटाइजेशन होना चाहिए ताकि बीमारी आगे ना फैले, और इसके लिए जो हमारे भिखारी हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी भोजन देने की व्यवस्था की गई है। विशेषकर सारे जो हेल्पलाइन के नंबर्स हैं, जो जो समस्या का समाधान करेंगे उनके नंबर पेपर में प्रकाशित हो जाएंगे। और कोरोना को लेकर हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उनके सबसे ज्यादा जोर उनका इस बात पर है कि अधिकारी फोन जरूर उठाएं। उत्तराखंड के अंदर पर्यटन विभाग ने गई सूचना दी है कि विदेशी जो फंसे हुए हैं वो 1330 हैं। इसमें काफी लोगों को लौटा दिया गया है, वो चले गए हैं, बाकी जो फंसे हुए हैं निश्चित रूप में उनको भी भेजने का प्रयास किया जाएगा। हमने ये कहा है कि जो आश्रम है, सार्वजनिक स्थल है और जो इसमें उनका सैनिटाइजेशन होना चाहिए ताकि बीमारी आगे ना फैले, और इसके लिए जो हमारे भिखारी हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी भोजन देने की व्यवस्था की गई है। विशेषकर सारे जो हेल्पलाइन के नंबर्स हैं, जो जो समस्या का समाधान करेंगे उनके नंबर पेपर में प्रकाशित हो जाएंगे। और कोरोना को लेकर हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उनके सबसे ज्यादा जोर उनका इस बात पर है कि अधिकारी फोन जरूर उठाएं। उत्तराखंड के अंदर पर्यटन विभाग ने गई सूचना दी है कि विदेशी जो फंसे हुए हैं वो 1330 हैं। इसमें काफी लोगों को लौटा दिया गया है, वो चले गए हैं, बाकी जो फंसे हुए हैं निश्चित रूप में उनको भी भेजने का प्रयास किया जाएगा। हमने ये कहा है कि जो आश्रम है, सार्वजनिक स्थल है और जो इसमें उनका सैनिटाइजेशन होना चाहिए ताकि बीमारी आगे ना फैले, और इसके लिए जो हमारे भिखारी हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी भोजन देने की व्यवस्था की गई है। विशेषकर सारे जो हेल्पलाइन के नंबर्स हैं, जो जो समस्या का समाधान करेंगे उनके नंबर पेपर में प्रकाशित हो जाएंगे।